1905 से 1908 के बीच में बहुत सारी अकाल आपदा पड़ती है हमारे देश में, और बहुत ज़्यादा जो छोटे खेती खेतिहर होते हैं या जो छोटे छोटे आर्टिजन्स होते हैं, कुछ चीज़ें बनाते हो, कपड़ा बनाने का काम करते हो या कोई बर्तन वगैरह बनाने का काम करते हो, या एग्रीकल्चर में जो लेबरर्स होते हैं जो खेतों में काम करते हैं, या जो भी पिछड़ा वर्ग होता है या जो भी वो क्लास होता है जो पिछड़ा होता है, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत सहने को इस टाइम पे देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि जो 1860 होता है, 1860s के बाद जो ये आपदा और अकाल आने का जो होता है, अकाल मतलब क्या हो? इस फेज का मतलब क्या है कि खाने की कमी हो जाती है, सामान नहीं होते हैं खाने पीने के, या तो मान के चलिए सूखा पड़ने से हो गया या बाढ़ आने से हुआ, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। तो उसके बाद से 1860 से बहुत आते हैं, और 19th सेंचुरी में जो गवर्नमेंट होती है उसकी पॉलिसीज, गवर्नमेंट वहाँ उस टाइम पे जिस तरीके से आपको पता होगा ब्रिटेन के हाथ में पावर होता है, तो इन लोगों की जो पॉलिसीज होती हैं उसकी वजह से फूड प्रोडक्शन, जो कृषि से सामान उगाया जाता है, अनाज वगैरह उगाया जाता है, खाने पीने की वस्तुएं, उनमें बहुत कमी आ जाती है। जिस तरीके से आपने पढ़ा कि कई सारे वो जमीन को लेकर कर वगैरह लगा देते, तो कमी तो आएगी ही। उसके बाद जो खाने की चीज़ें जब कम पड़ेंगी तो क्या होगा, उसकी प्राइस बढ़ेगी। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं ना कि एक्सपोर्ट भी नहीं रोकते हैं इस टाइम पे। मान लीजिए कि भारत से जो अनाज बाहर ज्यादा था, तो भारत में अनाज कम पड़ा तो उसको रोक देंगे ना, लेकिन लोग रोकते नहीं है, बाहर अनाज जो भी उगता है उसको भेज देते हैं, तो देश में एकदम भुखमरी वाला सिचुएशन हो जाता है। और जो इकोनॉमिक हिस्टोरियन होते हैं वो बताते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है वो रेलवेज और इस टाइप के जो उनके पूंजीवादी इंटरेस्ट होते हैं उसकी वजह से, जैसे कनाल्स वगैरह बनाना और ये सब चीज़ें, इसकी वजह से भी बहुत इम्पैक्ट उस पर पड़ता है, खान पान पे या उस समय के लोगों की, और स्थिति खराब हो जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिशर्स या ऐसे नॉर्मली भी लोग कोशिश करते हैं कि जो लोगों पे कर्जा है जो खेती करने वाले उसे कम किया जाए, पर हो नहीं पाता। देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू करने की कोशिश की जाती है, इंडस्ट्रीज वगैरह भी कोशिश की जाती है खोलने की, कि अगर चलिए इंडस्ट्रीज होंगी, उद्योग होंगी, तो लोगों में जो गरीबी है और या जो उनको जॉब नहीं मिल पा रही है वो खत्म होगा, बट ऐसा नहीं होता है। फूड की जो सप्लाई, जैसे मैंने बात की, वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। फूड आइटम्स जो खाने पीने के अनाज होते हैं इस टाइम पे बिल्कुल बहुत ही महंगे हो जाते हैं, या लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, या मार्केट में होते ही नहीं है, डिमांड सप्लाई आप समझते हैं। तो ये फ्लो ऑफ लेबर फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एंड रीजन्स दिया हुआ है, एवरेज यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपने बुक में एक बार देख लीजिएगा, मैंने फिर भी लगा दिया है। तो उसके बाद एक और चीज़ होता है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जिस तरीके से मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया कि भारत में लघु उद्योग, घरेलू उद्योग बहुत होते हैं, छोटे छोटे घरों में लोगों ने उद्योग बना के, कोई बर्तन बना रहा है, कोई क्या बोलते हैं कि चाय पीने के कप्स बना रहा है, इस तरीके के उद्योग, छोटे उद्योग जो छोटे छोटे चीज़ों के लिए होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने की वजह से उन इंडस्ट्रीज पे बहुत वो पड़ता है, और बहुत सारे लोग, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या होते हैं कि अपने देश से हाथ, जो हाथ करघा होता है या जो चरखा वगैरह होता है, हमारे देश में बहुत प्रयोग किया जाता था कपड़ा बनाने के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने की वजह से हमारे यहाँ पे उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, लाखों लोग जॉब मतलब खो देते हैं, बिकॉज उनके ब्रिटेन की इंडस्ट्री की चीज़ें हमारे देश में आने लगती हैं। हमारे देश से सिर्फ वो रॉ मटेरियल जो होता है, कच्चा सामान अपने इंडस्ट्रीज में लेके जाते हैं, बना के फिर वापस हम पे महंगे दामों पर बेच देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ की जो कॉटन इंडस्ट्री होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है, यूरोप और एशिया में उसका डिमांड भी होता है, तो और इसी वजह से ब्रिटेन को कहीं ना कहीं हमसे जेलसी भी रहती है उस टाइम से, कि ब्रिटिशर्स के पास उस टाइप के कॉटन नहीं होता है, ठीक है। तो क्या करता है ब्रिटेन कि हैवी कस्टम लगा देता है, मतलब हमारे सामान पे, मतलब हमारी जो चीज़ें होंगी उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा देता है कि कहीं बिके नहीं, कोई इसे खरीदे नहीं, ठीक है। तो क्या होता है कि 1920 के बाद ये होता है कि इंडिया की जो सामान होती है वो इंग्लैंड में नहीं जाती, बाकायदा हमारे सामान की क्वालिटी अच्छी है, उसकी डिमांड है, पर इतना टैक्स लगा देते हैं बिकॉज कब्जा उनका कहीं ना कहीं होता है, या मान लो कि आपको उनके देश में लेके जाना है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो इतना ज़्यादा लगा देते हैं कि हमारे देश के जो लोग जो बेचने जा रहे हैं उनको वो बेच ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और ज़्यादातर अपने देश की बनी हुई चीज़ों से हमारे देश को भर देते हैं ये लोग, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारा डेटा दिया है, और इसी का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे पड़ता है। हमारे यहाँ के जो कपड़े होते हैं उस टाइम पे, मलमल वगैरह के जो कपड़े थे वो बेस्ट क्वालिटी के थे, पर धीरे धीरे उसको ख़त्म करके एकदम मतलब
जॉब्स भी लोगों की छीन लेते हैं अंग्रेज, अपने बेकार जो फैक्ट्रीज में चीज़ें बनी होती हैं उसको लाके हमारे देशों पे थोप देते हैं कि लोग मजबूर होकर ख़रीदें, और उसके बाद हमारे चीज़ों को इस तरीके से मतलब एकदम मार्केट से नज़ारत हो जाती है, बिकॉज़ कौन बनाएगा जब इतना महंगा आपको ड्यूटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री शुरू भी होती हैं मतलब जैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो हाथ से बनाई हुई छोटी घरेलू उद्योग होते हैं वो ख़त्म तो होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ भी शुरू होती हैं लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होती। कहाँ पे शुरू होती है, जैसे कि बॉम्बे सिटी में शुरू हो गई, कहीं कहीं बिहार कलकत्ता के जो एरिया है उसमें शुरू हो जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि वो ऐसे जगह पर शुरू होती है कि बहुत आइसोलेटेड होती हैं, बहुत अलग होती हैं, जहाँ और लेबरर्स इतनी बड़े लेवल पर नहीं होते कि बहुत सारे लेबरर्स को रख सके। ठीक है, इसकी वजह से भी एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। उसके बाद अनदर चीज क्या होती है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है इंडस्ट्री डेवलपमेंट को लेके अंटिल 1914 मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से होता है कि सारा कुछ जो पावर होता है वो अंग्रेजों के हाथ में होता है, अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो। एंड उसके बाद जो कुछ भी है उसको कंट्रोल अंग्रेज करते हैं, और इस वजह से वो सब कुछ का डेवलपमेंट हो, चाहे वो रेलवे हो चाहे इंडस्ट्री हो, उसको अपने बेनिफिट के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। अदर फैक्टर्स अगर हम बात करें कि भारतीय लोग क्यों लेबरर क्लास भारत से अदर देशों में माइग्रेट करके जाता है, तो अदर फैक्टर्स में से ये होता है कि एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेंट होते हैं हमारे भारत में। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि एग्रीकल्चर का काम कब करना होता है, साल में 4 महीने, मान लीजिए कि 2 महीने आप गेहूँ बो रहे हैं, 2 महीने चावल बो रहे हैं, तो बाकी के तो जो बचे आपके महीने उसमें आप क्या करेंगे, तो आप अनएम्प्लॉयड हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद हमारे यहाँ पर एजुकेशन जो होता है वो बहुत ही मान के चलिए उतना हम लोग एजुकेटेड भी नहीं होते, कास्ट बाउंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है, कास्ट के हिसाब से आपको जॉब करना है, इसकी वजह से भी। उसके बाद कुछ क्लास जो पावरफुल या कास्ट जो पावरफुल होते हैं वो और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेशराइज करते हैं, इसी के मतलब इन सब रीजंस की वजह से जो गवर्नमेंट होती है और मतलब बेसिकली ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो इंडियन लेबरर्स को बाहर मतलब बाहर भारत से जो इंडियन लेबरर्स होते हैं उनको भारत से बाहर भेजते हैं, बिकॉज सिचुएशन बहुत ख़राब होती है। 99.6% ऑफ लेबर, ठीक है, वाटर वेज से मतलब पानी के रास्ते ब्रिटेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे, एम्पायर पे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं। सोचिए कितने लेबर्स, 99% लेबर्स भारत से बाहर के देशों में चले जाते हैं, और जो 98% होते हैं वो को एक रिफ्लेक्शन एंड एक्शन दिया गया है कि इंटरनेट से और डिफरेंट सोर्सेज से स्टोरीज वगैरह आप कलेक्ट करिए कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स के टाइम पे किस सिचुएशन से लोग मतलब देख के यहाँ से मतलब भारत देश को छोड़ के किसी और देश में जाते हैं। अब हमें 5 पैटर्न इंडियन माइग्रेशन के देखने को मिलते हैं, सबके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक इंडेंचर्ड लेबर इमिग्रेशन, जिसके बारे में बताया है किस तरीके का होता है, कानगानी या मेनस्ट्री लेबर इमिग्रेशन, फ्री और पैसेज इमिग्रेशन, ठीक है, ब्रेन ड्रेन भी मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन कंट्रीज में, यूरोप के, नॉर्थ अमेरिका के, ओशनिक कंट्रीज में होता है, एंड लेबर इमिग्रेशन टू वेस्ट एशिया। ठीक है, जो फर्स्ट थ्री हैं यानी इंडेंचर्ड, कनगानी और फ्री एंड पैसेज इमिग्रेशन, वो कोलोनियल फिनोमेना, ये कॉलोनीज जब भारत जब ब्रिटेन के अंडर था तब होता था, और जो लास्ट दो हैं, ठीक है, ब्रेन ड्रेन और जो लेबर इमिग्रेशन टू है वेस्ट एशिया, वो किस वजह से हुआ है, पोस्ट कॉलोनियल या सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से, मतलब आज़ादी के बाद हम लोगों ने हमारे देश में ब्रेन ड्रेन शुरू हुआ और ज़्यादातर वेस्ट एशिया की तरफ लोग जाना शुरू किए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक कारणों की वजह से। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मैं सिंपली समझाऊँ, ब्रेन ड्रेन इसलिए होने लगा कि आज़ादी के बाद लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने लगे तो इंजीनियर्स डॉक्टर ज़्यादा बनने लगे, और उनको डेवलप कंट्रीज जैसे कि अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगे। और अगर वेस्ट एशिया की बात करें तो ये ऑयल का और इन सब का हॉटस्पॉट है, आपने सुना होगा लोग दुबई, सूडान, ये सब कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ पे ऑयल्स वगैरह बहुत ज़्यादा है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में, तो इस वजह से बिकॉज वहाँ पे काम ज़्यादा होती है और वहाँ की करेंसी यहाँ पे स्ट्रांग है। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में ये फाइव पैटर्न में हम इमिग्रेशन देखते हैं इंडिया में, तो इनको डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले है
इंडेंचर्ड लेबर इमिग्रेशन। तो देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होता था, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया। और यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है, मान लीजिए कि मैंने आपको एम्प्लॉय किया, आपसे कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो आपको 3 से 5 साल 7 साल मेरे साथ काम करना पड़ेगा। और एक स्पेसिफिक वेज होगा, मतलब पैसा डिसाइड होगा कि मैं आपको 1,000 रुपये दूंगी, ठीक है। और अब जब मान लीजिए कि 5 साल का हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो मैं जब 5 साल आपका पूरा हो जाएगा, तो आप चाहें तो दोबारा मेरे साथ काम कर सकते हैं। समटाइम्स पैसे भी नहीं दिए जाते, बस खाना और रहने की जगह दिया जाता है। तो आप दोबारा मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके काम कर सकते हो, या फ्री लेबरर बन सकते हो, ठीक है। और 10 साल बाद या कुछ साल बाद आप वापस आ सकते हो अपने घर। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो हमारे भारत से माइग्रेशन दूसरे देशों में जब शुरू हुआ था, तो 1834 में शुरू हुआ था, ठीक है, और जो ख़त्म हो जाता है 1920 में। 1920 के बाद हमारे यहाँ पे आज़ादी वगैरह के बहुत सारे आंदोलन होने लगते हैं, इस वजह से इस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। और ज़्यादातर भारत के जो लेबर्स थे वो वेस्ट इंडियन जो कॉलोनीज़ की कंट्रीज़ थी, जैसे कि फिजी, साउथ अफ्रीका, मॉरिशियस, मलेशिया वगैरह, यहाँ भारत के लेबर जाया करते थे। और उसके बाद मतलब जैसे ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होता था, ब्रिटिशर्स के साथ साइन करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स दिए गए, जैसे फिजी 68,000 लोग गए थे, साउथ अफ्रीका 1,42,000 लोग गए थे, तो इस तरीके से। तो फर्स्ट फेज जो इसका इंडेंचर्ड जो लेबर्स होते हैं, लेबर्स का जो बधुआ मजदूर होते हैं, उनका शुरू होता है। तो इनको कूली भी कहा जाता है, जो कूले शब्द होता है इसलिए इस्तेमाल होता है, COLLI, जो कम पैसा कमाने वाले लेबर होते हैं उनके लिए। तो इनको छोटा नागपुर के डिस्ट्रिक्ट जो होता है, या बंगाल प्रेसिडेंसी वाला पूरा एरिया होता है, वहाँ से ज़्यादातर जो ये बधुआ मजदूर हैं उनको लेके जाया जाता है। धीरे धीरे जो हिंदी स्पीकिंग जोन होता है, मतलब जहाँ पे हिंदी भाषी लोग रहते हैं, बिहार हो गया, ईस्टर्न यूपी हो गया, यहाँ से भी एरिया से, मतलब उत्तरी भारत के लोग को भी बधुआ मजदूर बना के, या ये जो इंग्लिश का बहुत ही फनी सा इंटरेस्टिंग सा नाम है, उसके थ्रू लेके जाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को। फिर साउथ इंडिया से भी तमिल स्पीकिंग, मदुरई से, इनसे तंजौर वगैरह से तेलुगु स्पीकिंग लोगों को लेके जाया जाता है। मुंबई प्रेसिडेंसी से भी, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट से भी लेके जाया जाता है। जो 3 प्रेसिडेंसीज होती हैं, कॉमेंट में बताइएगा कौन कौन सी, वहाँ से भी बहुत सारे लोगों को लेके जाया जाता है, ठीक है। तो हमने एनालिसिस किया है जो कलकत्ता इमिग्रेशन रिपोर्ट है, और हमें पता चला है कि जो हिंदू मुस्लिम हैं, मतलब कितना रेशियो गया है, तो सॉरी 86% हिंदूज गए हैं और 14% मुस्लिम गए हैं, जिसमें 16% लोग अपर कास्ट के थे, जो बाहर जाने वाले, 32% लोग इंटरमीडिएट कास्ट के, मतलब वैश्य जाति से थे, जो खेती वगैरह का काम किया करते थे, और बाकी जो बचते हैं तो अराउंड आपका हो गया 48%। तो 48% के बाद जितने भी बचते हैं 52%, वो सब अनटचेबल कास्ट के लोग बाहर देशों में काम करने गए हुए थे। और ज़्यादातर इसमें जो रिक्रूटमेंट का तरीका होता था इंडेंचर्ड लेबर का होता था, वही बधुआ मजदूरी या कॉन्ट्रैक्ट में आप लेबर बन रहे हो। और ज़्यादातर मेल और यंग लोग जाते थे, आदमी पुरुष और यंग हुआ करते थे, बूढ़े लोगों को नहीं लेके जाया करते थे। जब इनका पीरियड ख़त्म हो जाता था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट का, तो कुछ तो उन्हीं कॉलोनीज में बस जाया करते थे, कुछ वापस अपने देश पे आ जाते थे। तो देश में वापस आने के लिए कभी कभी उनको थोड़ा बहुत ज़मीन भी दे दिया करते थे अंग्रेज, कि जाओ अब तुमने अफ्रीका में 10 साल मेरे लिए काम किया, लो ये थोड़ा सा ज़मीन तुम भी रख लो, तुम भी क्या याद रखोगे कि अंग्रेज कितने बड़े दिल वाले थे, ठीक है। तो ये लोग फिर एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी बन जाती थी, बिकॉज फॉरन रिटर्न एंड ऑल का एक अलग सिस्टम होता था। उसके बाद जो सेकेंड सिस्टम था वो था कानगानी और मेंस्ट्री लेबर इमिग्रेशन, ठीक है। तो जो ये कांगानी सिस्टम था, उसमें ज़्यादातर साउथ इंडिया के लेबर्स जो थे वो मलेशिया और श्रीलंका जाया करते थे, और जो मेस्ट्री सिस्टम था उससे बर्मा जाया करते थे, ठीक है। तो कांगानी का मतलब क्या होता है, तमिल के वर्ड कनकनी से लिया गया, जिसका मतलब होता है ओवरसियर या फोरमैन, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर क्या होता था कि एक इंडियन रिक्रूटर होता था, जो कि बाहर खुद गया होता था। मान लीजिए कि मैं अमेरिका गई हूँ, एग्जाम्पल के ले लीजिए कांगनी सिस्टम समझने के लिए, मैं क्या करूँगी भारत के लोगों से, ठीक है, भारत के और लोगों को वहाँ पे बुलाऊंगी, उनको कुछ एडवांस में पे करके, चाहे मान लीजिए कि आपको शिप का टिकट दे दिया या आपके फ्लाइट का टिकट दे दिया, और मैं काम कर रही हूँ वहीं पर, और लोगों को अपने देश से बुला लूँगी।
मिनिस्ट्री सिस्टम के अंदर क्या होता था, ये मान लीजिए कि इसमें हम ये फ्री काइंड ऑफ, एक तो सबसे पहले जो मिनिस्ट्री सिस्टम था इससे बर्मा ज़्यादातर लोग जाते थे, और ये लोग जो इंडेंचर्ड सिस्टम था जिसमें बधुआ मजदूर या कॉन्ट्रैक्ट करते थे उसके अंदर नहीं थे, ये लीगली फ्री थे और कोई फिक्स ऑफ पीरियड नहीं होता था कि आपको 3 साल काम करना है, चार साल काम करना है, आपको जितना काम करना है वो करके आप आ सकते हैं। जो ये कांगानी सिस्टम है जिसमें मतलब मैं विदेश गई, इंडियन जो मतलब मैं इंडियन पर्सन हूँ विदेश गई और वहीं पे और लोगों को और बुलाने लगी, इस सिस्टम जो था वो मतलब 19th सेंचुरी के स्टार्ट में शुरू हुआ और 1938 में ख़त्म हो गया। जो मेंस्ट्री सिस्टम था वो 19th सेंचुरी में शुरू हुआ था, ठीक है। अब कितने लोग ये दोनों सिस्टम के अंडर गए थे ये कह पाना मुश्किल है बिकॉज हमारे पास बहुत सारा डाटा नहीं है, बट 10 मिलियन इंडियन माइग्रेंट्स जो थे वो भारत से बाहर गए फिर वापस आए, या भारत से बर्मा गए या मलेशिया गए और वापस आए, ऐसा सिस्टम हमें देखने को मिलता है 10 मिलियन, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। और ज़्यादातर इंडियन जो इमिग्रेंट्स थे वो तमिल स्पीकिंग हिंदूज थे और बाकी मुस्लिम्स थे, ये MUSL है, टी नहीं है क्योंकि बुक्स में गड़बड़ होती है तो यहाँ पे भी गड़बड़ आती है, क्रिश्चियन थे कुछ केस में मलेशिया जो गए और सिक्स थे, ठीक है। तो इस तरीके से तो इमिग्रेंट्स साउथ ईस्ट एशिया गए, ये एशिया शब्द है, तो वो ऐसे माइग्रेंट्स थे जो ट्रेडर थे, शॉपकीपर थे, एंटरप्रेन्योर थे, सेल्समैन थे और क्लर्क्स वगैरह प्रोफेशनल्स थे कि जो व्यापार करते थे, दुकान वगैरह चलाते थे, सेल्समैन थे, कुछ सामान बेचते थे। इन मलेशिया हम बात करते हैं 1957 तक, आज़ादी के बाद भी 1/3 ऑफ टोटल इमिग्रेशन, ठीक है, जो था वो भारत के इसी टाइप के लोगों का था। और यही सिचुएशन हमें बर्मा में भी देखने को मिलता है, ठीक है, कि भारत के लोग जाते हैं। और जो साउथ इंडियन चेटिनार हिंदूज थे वो इंडियन लीडिंग लोग थे कमर्शियल बिजनेस कम्युनिटी में बर्मा और मलेशिया में। अब ये क्या है, जो चेटिनार हिंदूज साउथ इंडिया के थे सबसे ज़्यादा हमें मलेशिया और बर्मा में पाए जाते हैं कमर्शियल और बिजनेस कम्युनिटी के तौर पर, वहाँ पर बिजनेस वगैरह करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम थर्ड टाइप